क्रिकेटरों की छवि समाज में बहुत अच्छी होती है। उन्हें कुछ लोग अपना आदर्श मानकर उनके किए गए कामों को दोहराने का प्रयास करते हैं। लाखों लोगों का आदर्श होने के कारण उन्हें भी कई बार अपने फैंस को सही राह पर जाने के लिए कहना पड़ता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने फैंस के सामने गलत आदर्श पेश किया। कुछ खिलाड़ियों ने क्रिकेट से बाहर अपनी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण उनकी छवि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इन खिलाड़ियों की सच्चाई सोशल मीडिया पर महिलाओं ने सामने आकर उजागर किया। आज हम आपको 5 ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई सोशल मीडिया पर महिलाओं ने आकर बताई और उन पर आरोप भी लगाए। इन खिलाड़ियों में भारतीय नाम भी शामिल हैं। इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी शामिल हैं जिनको देखकर आप चौंक सकते हैं। शेन वॉन। इस लिस्ट में पहला नाम शेन वॉन का ही होना था। जितने बड़े खिलाड़ी शेन वॉन रहे उतना ही ज़्यादा नाम उनका विवादों में भी रहा। शेन वॉन का नाम कई बड़े सेक्स स्कैंडल में आ चुका है। अभी हाल में एसएस के दौरान उन्हीं कारणों से भी वो खबरों में बने हुए थे। 2006 में जब वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ उस उन्होंने वहाँ पर एक 24 वर्षीय लड़की को मैसेज करना शुरू किया था, जिसके बाद पिछले साल भी कुछ ऐसा ही एक स्टूडेंट को मैसेज कर रहे थे। उस लड़की ने उनके सभी चैट बाद में बाहर कर। मोहम्मद शमी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इस मामले में फंस चुके हैं। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने खुद मीडिया में आकर उनके कई लड़कियों के साथ रिश्ते की बात बताई थी, जिसके बाद उन्होंने मोहम्मद शमी के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज कराया था जो अभी भी चल रहा है। मोहम्मद शमी उस समय विश्व कप के लिए इंग्लैंड दौरे पर थे जहां पर उन्होंने किसी लड़की को मैसेज किया था। लड़की को ना जानने के बाद भी वे उसे लगातार मैसेज कर रहे थे, जिसके बाद लड़की ने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाल दिया था। हसीन जहां ने इसके अलावा कई और मैसेज मोहम्मद शमी की लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पर डाली थी। युजवेंद्र चहल। स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल का नाम भी इस लिस्ट में देखकर आप चौंक जाएंगे। इस खिलाड़ी की छवि बहुत अच्छी है, लेकिन चहल भी सोशल मीडिया पर एक लड़की को बार बार मैसेज करते पाए गए थे। यह बात खुद उस लड़की ने सोशल मीडिया पर आकर बताई थी। युजवेंद्र चहल भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। उन्होंने एक लड़की की फ़ोटो पर कमेंट किया था, हालांकि उसमें कुछ भी खराब नहीं था, लेकिन अन्य आम लड़कियों की तरह वो भी इस जवाब को पाने के बाद चौंक गई थी। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर चहल को फैंस ने जमकर ट्रोल किया था। इमाम उल हक। पाकिस्तान टीम के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक भी विश्व कप खत्म होने के बाद एक ऐसे ही आरोप में घिर गए थे जब कुछ लड़कियों ने सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि एक ही समय में वो 3 से 4 लड़कियों को डेट कर रहे थे, जिसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। इमाम उल हक को उसके बाद एक धमकी भी आई थी जिसमें कहा गया था कि वो सुधर जाएं नहीं तो उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। इमाम के कई चैट सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए थे जिसमें वो लड़कियों से गलत तरीके से बात करते नज़र आ रहे थे। मोंटी पनेसर। इंग्लैंड टीम के पूर्व भारतीय मूल के स्पिनर मोंटी पनेसर को अभी सोशल मीडिया में आरोप लग चुके हैं। मोंटी पनेसर ने बहुत ही फेमस डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए एक लड़की को मैसेज भेजने शुरू किए थे। ये उन्होंने एक मैच के फौरन बाद किया था, इसके बाद से ही उनके मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। मोंटी पनेसर ने उस लड़की को होटल में मिलने के लिए भी बुलाया था, लेकिन मैच के अधिकारियों ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया था क्योंकि उस सीरीज में इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। उसके बाद ही मोंटी पनेसर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। क्रिकेट, बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें सत्योदय मीडिया और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।